सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बताएंगे पेपल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं जिसमें आप वर्ल्ड वाइड पेमेंट इशू कर सकते हैं। चाहे आप फ्रीलांसर कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस दे रहे हो, तो आप सीधे अकाउंट में पेपल के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे, क्योंकि आप कई लोग मिस्टेक कर लेते हैं, पेपल अकाउंट बनाते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल बना देते हैं और वो पेमेंट इश्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसका पूरा हम डिटेल में बताएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो साइन अप फॉर फ्री वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके थ्रू यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक तो इंडिविजुअल और एक बिजनेस। तो इन दोनों में अगर आप फर्क समझ लेते हैं तो आप अकाउंट अच्छे से बना सकते हैं, आप पेमेंट इश्यू कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में होता है ऐसा है कि आप केवल सेंड पेमेंट कर सकते हैं, जबकि बिजनेस अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो इसमें रिसीव भी कर लेते हैं एंड पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं। तो यूजली अपने जो फ्रीलांसर वर्क करते हैं, पेमेंट रिसीव करने के लिए यानी पेमेंट प्राप्त करने के लिए ही पेपल अकाउंट बनाते हैं। तो कई लोग इंडिविजुअल बना देते हैं लेकिन वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसका बेसिक रीज़न यही है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिजनेस अकाउंट बनाइए, जिसे आप रिसीव भी कर सकते हैं एंड पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद में जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ईमेल आईडी डालनी रहती है एंड एक पासवर्ड क्रिएट करना रहता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालें जो आप यूजली आप यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको जैसे पासवर्ड भी क्रिएट करना रहता है। तो हम बता देते हैं, जैसे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आपका कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए, जिसके हम अपर लोअर नंबर सिंबल ये सब होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये, तो वो है कि आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है, सीधे सिंपल आप कॉपी कर सकते हैं एंड देन सेव कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना के सबमिट करना है, ठीक है। अब आता है बिजनेस टाइप। अब यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिविजुअल करें क्या करें, गवर्नमेंट कोऑपरेट पार्टिसिपेट। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंडिविजुअल करना है एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस की में आपको जैसे आप क्या प्रोवाइड करते हैं वो आपको डालना रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने जैसे बिजनेस सर्विस, तो यहाँ पे डाल देते हैं एंड पर्पस द कोड। तो बिजनेस एंड सर्विस, फॉर एग्जांपल हम जैसे फ्रीलांसर सर्विस दे रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम डालेंगे एडवर्टाइजमेंट मार्केट एंड रिसर्च। अब आपको पर्सनल पेन आपका यहाँ पे डालना रहेगा, जिसमें आपका जो भी पैन कार्ड है वो डालेंगे, और देन आपको यहाँ पे पेपल नेम डालेंगे, जिसमें जो भी भेजने वाला स्टेटमेंट में इधर नाम दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपने पैन कार्ड नंबर, जैसे ठीक है। अब मैंने अपने पैन कार्ड नंबर डाल दिए और यहाँ पे मैं अपना कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाम यार किसी भी दे फॉर, ठीक है। और वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं, एंड नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं है, यहाँ ऑप्शनल दिया हुआ है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस सर्विस या जो भी आप अपना अकॉर्डिंग जो भी आपकी सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं वो करेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे एंड आपका जो भी स्टेटमेंट नेम आना चाहिए वो डालेंगे एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। ये सब कुछ डालने के बाद अब आपको पेपल मांगेगा कि बिजनेस ओनर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम, लीगल लास्ट नेम, नेशनलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस 2, स्टेट और आपका मोबाइल नंबर, एंड आपको डिफॉल्ट में US डॉलर ही रखना है। देन पूरी डिटेल आपको डालने के बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल लेता हूँ, मिडिल नेम नहीं है तो ऑप्शनल है। अगर आपके जैसे
मेरा नाम खितेश गोयल, तो मैं खितेश फर्स्ट या गोयल, या मेरा नाम खितेश गोयल जिसमें, तो मेरा जैसे तीन नाम है तो वो अलग अलग मिडिल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आई होप समझ चुके होंगे, अगर लास्ट नेम नहीं आ रहा तो आप डॉट भी लगा सकते हो, तो ठीक है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर सुनेंगे, पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है, एड्रेस, टाउन, सिटी एंड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर आपके जो भी हैं वो डालेंगे, यूएस डॉलर, एंड देन आई टिक लगा के आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन में पूरी सबमिट करके आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज, अब आपको क्या करना है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हो, इन्फॉर्मेशन डाल पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे रमेश कुमार, पैन कार्ड और आपका एड्रेस, ये सब कुछ ओके हो जाने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे देन क्लिक करने के बाद जब आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाएगा, वो आपको पूरी डिटेल डालनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई टू वेरीफाई, मेक श्योर योर आधार एंड पैन आइडेंटिफाई लिंकेड बिफोर अपलोडिंग, ठीक है। तो ये आपका आधार कार्ड है जो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड की फ़ोटो डालेंगे, एंड यहाँ पे साइज है वो मैक्सिमम साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और JPG, PNG, PDF किसी में भी आप इसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पैन कार्ड की फ़ोटो है वो पहले आप अपलोड करेंगे, जो भी लैपटॉप या फ़ोन से हैं तो आप इसे डाल दीजिए। तो जैसा कि गाइज हमने यहाँ पे JPG डाल दिया है और डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पे डाल दिए हैं और पैन कार्ड फोटो अपलोड कर दी है, अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई सबमिट हो रही है। तो पहले क्या कि सिस्टम और नया था, मैं ये लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए काम आने वाला है। अब बात आती है आप एड बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट ऐड करने से वो जिसमें बाइंग एडिंग बैंक अकाउंट यू कैन रिसीव फंड एंड विदड्रॉ इट, है नहीं। जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो आपके वो जो भी पेपल में पेमेंट आने वाले वो सीधे बैंक में आएंगे। वंस यू ऐड अ बैंक अकाउंट, पेपल विल सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट बैंक अकाउंट विद इन द 3 to 5 business day। प्लीज लॉग इन इन योर पेपल अकाउंट एंड इंटर द टू अमाउंट लिफ्ट योर सेंडिंग द विड्रो लिमिट। अब क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको कि जैसे भी आप अपना IFSC कोड डाल के, बैंक नेम डाल के, बैंक अकाउंट नंबर डाल के, नेम डाल के ऐड करते हो, तो पेपल एक छोटे छोटे अमाउंट आपको सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 रुपया, जैसे 1.8 पैसे, तो ये 2 पैसे आपको वेरीफाई करने के लिए डालना पड़ेगा। अगर आपको वो रिसीव होता है तो वो आप पेपल में जाके वो रिसीव, जैसे पहले SMS में एक 1 पॉइंट ऐसे कुछ पैसे आ गए वो डालेंगे, और सेकंड में भी वो डालेंगे, तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि अकाउंट आपका है, आपने डिटेल सही डाली है, तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। देन आपका बैंक अकाउंट ऐड होने से आपका जो भी पेपल में पेमेंट आने वाला है वो डायरेक्टली आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि कई बार ऐसा रहता है कि पेमेंट आप रिसीव, बड़ा पेमेंट कोई रिसीव करते हो आपके अकाउंट में नहीं आ पाता है, तो वो दिक्कत नहीं हो, इसलिए पेपल ने ये सर्विस दी है। जो भी आप बैंक डिटेल डालते हो वो आपको पेमेंट एक स्मॉल दो स्मॉल पेमेंट भेजता है पेपल, एंड वो आपको वेरीफाई करना पड़ता है। वो वेरीफाई करने से आपका क्या है कि जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो फाइनली हमारा ये बन चुका है पेपल का, ये होम पेज है, तो हमने सक्सेसफुल आप अपना पेपल अकाउंट बना लिया है, ठीक है। तो मैंने जिस हिसाब से बनाया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को प्रीव्यूज रिवाइज करके देखिए, एक नहीं दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारे फंड अवेलेबल 0 डॉलर है, यहाँ पे कोई भी पेपल हमारी ईमेल के थ्रू, जैसे मैं भी जो मैंने ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी के थ्रू मैं जो भी फ्रीलांसर में काम करूँगा तो उनको वो ईमेल आईडी दूंगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे जैसे 15 डॉलर डालेंगे तो और डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, जबकि अभी तक मैंने कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना, वो कैसे करना है वो मैं क्लिक करके बता देता हूँ। तो होम पेज पे नीचे आओगे तो लिंक बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो
वो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपकी आईएफएससी कोड, जो भी जिस भी बैंक अकाउंट में है वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पे आपका अकाउंट डालना है, और जो मेक श्योर आपके जो बैंक में नाम है वो यही रहने वाला है जो स्टार्टिंग में आपने डाले हैं, लिंक योर बैंक। तो उसके बाद जब लिंक योर बैंक में आप क्लिक करते हो, तो जैसा कि पहले मैंने बताया है, वो पेमेंट आपको पेपल आपको दो स्मॉल पेमेंट भेजेगा और इसे आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे डालोगे तो वो क्या है कि पेमेंट अभी मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि जैसे क्या होता है कि अभी हम बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, 2-3 दिन बाद हमें वो पेमेंट पेपल भेजेगा तो रिसीव होगा, दो मैक्सिमम 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो वो हम ऐड करने के बाद हम उस मैसेज में वेरीफाई फिर वापस आएंगे इधर डालेंगे, तो वो वेरीफाई में हमें वो दो पेमेंट पेपल द्वारा भेजे गए वो डालना पड़ता है। ठीक है, जिससे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा कि ये बैंक अकाउंट हमारा ही है। देन इसमें हम सेंड एंड रिक्वेस्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा होम पेज पे जाके जो भी आप एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं, पेमेंट पे कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ही इजी इंटरफेस है पेपल का। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आप कोई फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका दुनिया भर में पेमेंट पाने के तरीका है जो पेपल ही है जो आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसर देख रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ देख रहे हैं, तो यह मनी 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 इन मनी आउट यहाँ पे भी ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक काम आपको और करना है, होम पेज पे आना है और सबसे पहले कंफर्म योर आइडेंटिफाई, कंफर्म योर ईमेल आईडी एड्रेस, तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको पूरे क्लोज करने हैं। आपको कंफर्म योर आइडेंटिफाई एंड कंफर्म योर ईमेल आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएंगे एंड आपको ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, कंफर्म योर आइडेंटिफाई वो भी आपको आइडेंटिफाई कंफर्म करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। देन आपको पेमेंट रिसीव हो सकता है। क्यूब टूल में आपको इनवॉइस किसी को भेजनी है तो भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट पेमेंट की अगर भेज सकते हैं, सेंड पेमेंट अगर किसी को पेमेंट भेजना है तो भेज सकते हैं, पेपल में यहाँ पे लिंक भेज सकते हैं, किसी भी विदेश में बैठे आप डायरेक्ट इनको लिंक भेजोगे तो वो डायरेक्टली आपको पेमेंट इस लिंक ओनली लिंक के थ्रू कर सकते हैं, वो सीधा पेपल में आएगा, पेपल आपको डायरेक्टली इस बैंक अकाउंट में आपको भेज दिया जाएगा। तो ये था वीडियो जिसमें अगर आप पेपल अकाउंट बना रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर कर रहे हैं, दुनिया भर में पैसे मंगवाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज टाइम देने के लिए, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, अगर आप कोई लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस आते हैं तो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया है एंड आई होप आप अभी के जाकर आप मोबाइल में भी पेपल अकाउंट बना सकते हैं, एंड क्यों ना वो सबको बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज।